हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में जो बेल आइकन उसे भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, ये बार बार क्यों कहता हूँ, क्योंकि हमारे चैनल पे काफ़ी सारे सॉल्यूशंस के वीडियोस हम लोग लेकर आते रहते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स होता क्या है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स फोनफिक हैदराबाद की टीम ऐसे है कि हम अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अपडेट रखने की कोशिश करते हैं, हर नई चीज़ स्टूडेंट्स तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा एक और पेज है, फेसबुक पेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फेसबुक का हमारा चैनल है इस तरह का, हमारे चैनल को भी फॉलो करिए। इसमें आपको काफ़ी सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, हर दिन एक नया वीडियो मिलेगा स्टूडेंट्स काम करते हुए, और कुछ ना कुछ एक नया सीखने को मिलेगा, और डेली का यहाँ पे आपको लाइव वीडियो मिलेगा, हर दिन का एक लाइव वीडियो, जो कि इंडिया में कोई भी इंस्टीट्यूट आपको नहीं बताएगा कि हर दिन यहाँ पे क्या सिखाया जा रहा है। जैसे आज हमारा सॉफ्टवेयर का क्लास चल रहा था तो हमने सॉफ्टवेयर की क्लास के बारे में बताया, जैसे यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल क्लास चल रहा है तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल की क्लास बताने की कोशिश करते हैं, स्टूडेंट का हम काम दिखाते हैं कि डेली वो किस तरह से काम कर रहे हैं। ये देख सकते हैं सारे बच्चे यहाँ पे लाइव काम करते हैं, तो उनका लाइव काम दिखाते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं। हार्डवेयर प्रैक्टिकल क्लास चलती है उसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, ये आप फॉलो करिए फोन फिक्स हैदराबाद को, अगर आप सीखना चाहते हैं अच्छे से। तो दोस्तों, नेक्स्ट बैच हमारा 27 दिसंबर से है, 20 डेज का ट्रेनिंग होता है, और उसमें बेसिक टू सुपर एडवांस लेवल की ट्रेनिंग देते हैं, 200 से ज्यादा टॉपिक्स होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और एमएनसी का पूरा एक कंप्लीट पैकेज होता है, जिसमें हैंड स्किल के काम के साथ साथ सर्किट की, जी हाँ फ्रेंड, इस तरह के सर्किट की नॉलेज देते हैं, एक एक लाइनों के बारे में समझाते हैं कि डायग्राम को कैसे फॉलो करना है, कैसे समझना है, स्कीमेटिक को कैसे समझना है, कौन सी लाइन किधर जा रही है, ट्रैक किधर जा रहा है, तो ये सारी चीज आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप चाहे तो आ सकते हैं, दिसंबर 27 की बुकिंग चल रही है, नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप करिए या फिर कॉल करिए, डिटेल ले सकते हैं। और इंडिया में फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे सबसे कम फीस रखी गई है, जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एमएमसी तीनों कोर्स आपको मिला के सिखाते हैं, हर दिन 10 घंटे का क्लास होता है, रहने के लिए रूम बिल्कुल फ्री दिया जाता है, लैपटॉप आपको इस तरह का प्रैक्टिस के लिए देते हैं, जिसमें आपको सर्किट डायग्राम, बोर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम डाल के देते हैं ताकि प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि फ्रेंड्स काफी सारे मदरबोर्ड्स होते हैं इस तरह के, जिसमें कौन सी लाइन किधर जा रही है, क्या वैल्यू का कंपोनेंट है, कैसे चेक करना है, कितना वोल्टेज आ रहा है, पावर एसी के आउटपुट्स कैसे चेक करने हैं, सीपीयू सही है कि नहीं है कैसे चेक करना है, ईएमसी का फॉल्ट है या हार्डवेयर का फॉल्ट है, तो सारी चीज आपको चेक करनी होती है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग बताते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप थंबनेल देखे और देख के समझ गए होंगे, आज जो बात करने वाले हैं मीपी टेस्टर बॉक्स की, तो ये एक नया प्रोग्रामिंग बॉक्स है, हालांकि आकर के काफी सारा टाइम हो चुका है ये आकर के, लेकिन मार्केट में अभी तक इसके बारे में किसी ने भी सही डिटेल में नहीं बताया कि इसका क्या डिफरेंट है इसमें यूएफआई और इजी जटैक से। तो आज इसको मैं बताने वाला हूं उसको पूरा डिटेल में, और इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो अगर आप चाहे, अगर आपके पास जटैक है तो आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक मेन ये चीज है इसमें कि इसकी जो स्पीड है, कोई भी फाइल या कोई भी डम फाइल आप रीड करते हैं या राइट करते हैं तो यूएफआई में, जटैक में काफी सारा टाइम लग जाता है, कभी कभार आधा घंटा लग जाता है या एक घंटा भी लग जाता है। तो इसकी जो स्पीड है फ्रेंड्स वो 100 Mbps से ज्यादा, 100 Mbps से भी ज्यादा ये स्पीड में रीड भी करता है और राइट भी करता है। अगर आपको डम्प फाइल रीड करनी है, अगर आपको फ्लैश फाइल रीड करनी है, या कोई डम्प फाइल राइट करनी है, या फिर किसी की फाइल को रीड करनी है, तो ये बहुत कम समय में आपका ये राइट कर देता है। क्योंकि फ्रेंड्स हम जेटैक में, यूएफआई में अगर बात करें, फाइल के अंदर अगर आप देखेंगे तो उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है। अगर उसकी स्पीड की बात करूं मैं तो यूएफआई में 5 to 8 Mbps स्पीड वो रीड एंड राइट करता है। इसके अलावा इससे अच्छा बॉक्स अगर देखें तो इजी जेटैक का बॉक्स है, जिसके अंदर अगर हम देखेंगे तो 20 Mbps तक वो रीड एंड राइट करता है। लेकिन फ्रेंड्स ये जो बॉक्स है जेटैक से कहीं गुना बेटर रीड एंड राइट करने में। देखिए, सबका काम अलग अलग है, यूएफआई का कुछ अपना अलग काम है, इजी जेटैक का कुछ अपना अलग काम है, सबका एक डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि कोई बॉक्स एक दूसरे से बेटर है एक दूसरे से। इसमें जैसा रीड एंड राइट की क्वालिटी बेटर है, वैसे ही इजी जेटैक में प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। ऐसे ही यूएफआई में एंड्रॉयड टूल का ऑप्शन है या कुछ और ऑप्शन है जिससे हमको बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। तो तीनों भी बॉक्सेस का अपना अपना काम है, आप कोई भी एक ले सकते हैं सीखने के लिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ये जो बॉक्स है इसका प्राइस क्या है और इसके अंदर क्या क्या आपको मिलेगा। तो जैसे मैं सबसे पहले अगर आपको बता दूं तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ बॉक्स है, और इसके साथ आपको एडाप्टर आता है यूएफएस का, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप। तो ये इसका बॉक्स है, देखिए इस तरह का बॉक्स होता है, इसमें देख सकते हैं मीपी टेस्टर,
एस का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको बॉक्सेस लगाना है, यहाँ पे आपको केबल्स लगाना है। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स बॉक्स इसका, तो इसको मैं थोड़ा बाजू रख देता हूँ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसके साथ जो आपको मिलेगा, तो वो मिलेगा इस तरह का एक आईसी फ्रेंड का एक एडेप्टर, जिसके अंदर आपको इस तरह का सॉकेट मिलेगा। इसके बाद आपको इस तरह का एक अडेप्टर मिलेगा, ये देख सकते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा जो यूएफएस हमारे कनेक्ट होते हैं, सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहूंगा 4 आईसी इसके अंदर कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, ये लेटेस्ट वाला यूएफएस है BGA 297, ये भी आने वाले हैंडसेट में आपको मिलेगा देखने को। तो ये आईसी भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं MMC 254 और UFS 254, ये दोनों भी इसमें कनेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ ऊपर के साइड अगर आप देखेंगे तो UFS 153 यहाँ ऊपर दिख रहा होगा आपको, तो ये भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये तो एक आता है एडेप्टर इसके साथ। अगर आप ये वाला लेंगे फ्रेंड्स, तो ये सिर्फ मीपी टेस्टर के साथ ही चलेगा, लेकिन अगर आप अलग से UFI डेटेक के साथ भी ये बॉक्सेस को यूज करना चाहते हैं, तो आपको लेना पड़ेगा इस तरह का एक आईसी फ्रेंड। अगर इसमें देखेंगे, इसको आईसी फ्रेंड किंग भी बोलते हैं, तो इसको मैं आपको ओपन करके बता देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आपको 10 सॉकेट्स इसके अंदर मिलेंगे, एंड्रॉयड किंग भी इसे कहते हैं। और इसका जो आईसी लगाने का एडेप्टर है, ये देख सकते हैं, ये वाला इसका एडेप्टर आता है इस तरह का आईसी फ्रेंड। और इसमें यहाँ पे नीचे इस तरह के आपको दिखेंगे आपको सर्किट, तो कनेक्टर्स मिलेंगे। तो इसके साथ यहाँ पे कौन से साइज का आप MMC लगा रहे हैं या UFS लगा रहे हैं, सारे के सारे यहाँ पे लगा सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, ये सारे क्या है इसमें। अगर आप देखेंगे, अगर आप MMC 254 लगा रहे हैं तो ये वाला सॉकेट यूज करना है, अगर आप UFS लगा रहे हैं तो ये वाला सॉकेट यूज करना है। ये BGA 221 के लिए ये वाला, इसके साथ आपको इस तरह से ये कनेक्ट हो जाता है, ये देख सकते हैं। कनेक्ट होने के बाद आप इस तरह का ये बन जाता है। तो आपको जो भी आईसी लगाना है इसमें, इस तरह का आपको यहाँ पे ये वाला इस तरह से अटैच हो जाता है, ये देख सकते हैं। UFS लगा रहे हैं या MMC लगा रहे हैं, सबके साथ ये चले जाता है। ये MMC के लिए है 254। अगर मैं निकाल के बताना चाहूँ आपको, तो ये निकाल के भी बताना चाहूंगा, देख सकते हैं ये इस तरह का एक सॉकेट आता है, ये इसको एंड्रॉइड किंग बोलते हैं। ये UFS 254 के लिए, और यहाँ पे देखेंगे तो ये भी 254 है, बट ये MMC के लिए, क्योंकि 2 MMC आती है, तो इसके अंदर आपको ये वाला आपको कनेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको यही वाला, अगर मीपी टेस्टर के साथ नहीं करना है, अगर आपको जेटैक के साथ लगाना है या फिर UFI के साथ ये वाले सारे यूज करने हैं, तो आपको लेना पड़ेगा इस तरह के आपको एक अडेप्टर आता है। तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा, ये देख सकते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये आईसी फ्रेंड, ये UFI बॉक्स के साथ MMC कनेक्ट करना है तो ये वाला अडेप्टर लगाना होगा। इजी जेटैक रिफ बॉक्स के साथ ये वाला अडेप्टर लगाना होगा। मेडुसा प्रो के साथ ये वाला अडेप्टर आपको लगाना होगा। अगर आप मेडुसा प्रो MMC UFS लगा रहे हैं तो ये वाला यूज करना होगा। अगर जेटैक के साथ लगाना चाह रहे तो ये, तो मैं आपको एक यहाँ पे ओपन करके बताना चाहूंगा कि ये दिखता कैसे है। तो यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इस तरह का एडेप्टर होता है। इसके अंदर आपको इस तरह से ये आपको कनेक्ट हो जाता है, जैसा UFI में और इजी जेटैक में आपने देखा होगा इस तरह का आईसी फ्रेंड का एडेप्टर आता है, तो इस तरह का ये आपको इजिली कनेक्ट हो जाता है। तो ये नीचे का आप मेडुसा प्रो का मिलेगा, UFI का मिलेगा, रिप बॉक्स का मिलेगा, इजी जेटैक का मिलेगा, चारों बॉक्सेस के साथ ये कनेक्ट हो जाते हैं, ये अलग से आपको लेने पड़ते हैं। अगर आप बात करें रीड एंड राइट की, तो ये बॉक्स बहुत ही अच्छा बॉक्स है फ्रेंड्स, अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसमें अगर बात करूं मैं, नीचे देखेंगे और भी MMC है यहाँ पे, 529 163 100 और BGA 100 भी है इसमें, और UFS 153 का ये वाला अडेप्टर मिलेगा, कोने का दिख रहा होगा आपको नीचे। तो यहाँ पे ये कंप्लीट पैकेज है MMC और UFS का। अब मैं आपको बताता हूँ एक और खासियत क्या है इसकी। तो ये तो मैं अंदर रख देता हूँ, ये देख सकते हैं आईसी फ्रेंड मैंने यहाँ पे रख दिया है, और ये वाला जो सॉकेट है इसका है, ये मेडुसा प्रो और इसके लिए, तो इसको भी रख देते हैं अंदर।
अब बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, क्योंकि अगर आप UEFI में अगर देखेंगे तो आपको एक एंड्रॉयड टूल का टूल मिलेगा जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है इंटरफेस का, दूसरा मिलता है MMC के लिए और तीसरा मिलता है UFS कनेक्ट करने के। तो वहां पे तीन अलग अलग टूल आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तीनों पे अलग अलग काम करना पड़ेगा। ऐसे में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर कौन सा टूल में काम करे। इसके अलावा JETAG में देखेंगे तो JETAG में भी क्लासिक टूल है और आपको EFM करके एक और एक नया टूल आया उसका EasyJETAG फाइल मैनेजर या फिर EasyJETAG प्लस का एक टूल आता है। तो उसमें भी तीन से चार अलग अलग टूल है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा इंटरफेस खोले। जैसा UMT में एक आता है UMT का क्वालकॉम का टूल जिसको हम क्यूसीफायर बोलते हैं, ऐसे ही आता है UMT का MTK सेटअप। तो ऐसे ही फ्रेंड्स इसमें क्या है, IC फ्रेंड में सिर्फ ओनली एक ही सेटअप रन करके आप MMC पे भी काम कर सकते हैं, UFS पे भी काम कर सकते हैं। तो एक ही इंटरफेस पे आप सारा का सारा काम कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, अगर आपके पास EasyJETAG है और नेक्स्ट आप बॉक्स लेने की सोच रहे हैं कोई प्रोग्रामिंग बॉक्स, तो आप ले सकते हैं मिपी टेस्टर। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वाला बॉक्स आप जरूर ले लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं तो, क्योंकि इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, आपका टाइम बच जाएगा, आपका काम जो है बहुत स्पीड होगा। जैसे JETAG में UEFI में आप बहुत लेट काम कर रहे हैं तो JETAG में रीड कर रहे हैं या UEFI में रीड कर रहे हैं, काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। 100 MBPS की स्पीड बहुत ज्यादा होती है फ्रेंड्स, क्योंकि ओप्पो की या फिर वीवो की अगर आप टेस्टेड फाइलें अगर रीड करना चाहेंगे या डम फाइल बनाना चाहेंगे तो उसमें घंटा घंटा लग जाता था हमको, उसे हम रीड और राइट पे डाल देते और दूसरा काम करने लग जाते। लेकिन फ्रेंड्स ये बचाएगा आपका टाइम। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपका बहुत ज्यादा टाइम बचाएगा। अगर आप UEFI JETAG में 10 सेट बना रहे थे तो इसमें आप 50 सेट बहुत इजिली बना सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो जब स्पीड में काम हो जाता है तो आपका टाइम बच जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बस से जा रहे हैं कहीं दूर सफर कर रहे हैं 500 किलोमीटर दूर, अगर दो दिन का सफर लग रहा है तो, अगर हम ट्रेन से जाएंगे तो एक से डेढ़ दिन का सफर लगता है, लेकिन अगर हम फ्लाइट में हम सफर करते हैं तो एक से दो घंटे में हम किसी भी स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो ये हमारा फ्लाइट की तरह काम करता है, एरोप्लेन की तरह स्पीड ये रीड एंड राइट करके हमको देगा। ये बॉक्स भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो हमारे पास PhoneFix हैदराबाद में फ्रेंड्स हम सारे चीजों पे ट्रेनिंग देते हैं, UEFI बॉक्स भी हमारे पास है, JETAG भी हमारे पास है, मिपी टेस्टर हमारे पास है, पैंडोरा बॉक्स हमारे पास है, अनलॉक टूल, UMT, जितने भी टूल्स होते हैं सॉफ्टवेयर में बच्चों को अच्छे से अच्छा काम सिखाने की कोशिश करते हैं। आप ISP के थ्रू भी काम कर सकते हैं या फिर IC निकाल के भी आप काम कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे नए नए चीजें हम लेकर आते हैं, हालांकि आगे काफी टाइम हो गया था, बहुत पहले हमने एक साल पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था, बट हमारा चैनल हैक हो चुका है फ्रेंड्स। आप सबकी अगर मदद रहेगी, आप सबका सपोर्ट रहेगा, आप सबका प्यार रहेगा तो ये PhoneFix हैदराबाद के न्यू PhoneFix हैदराबाद के चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मैं ऐसे नए नए वीडियो हमारी पूरी टीम लाते रहती है जिसमें हार्डवेयर रिलेटेड, सॉफ्टवेयर रिलेटेड, MMC प्रोग्रामिंग रिलेटेड, ट्रेनिंग के रिलेटेड और बहुत सारे हार्डवेयर के सॉल्यूशंस की वीडियोस हमारी टीम बनाकर लाते रहती है और PhoneFix के इसी चैनल पे हम डालेंगे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ये वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें। और अगर आप इस बॉक्स के प्रैक्टिकली वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमने एक वीडियो ऑलरेडी डाला है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके देखिए। और भी अगर आपको इस बॉक्स से क्या क्या काम कर सकते हैं बहुत डिटेल में, इसके एक एक टैब के बारे में सीखना चाहते हैं तो नीचे आज ही कमेंट करिए, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस हम बना के देंगे। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट बैच अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं 27 दिसंबर से है, बुक करिए अपनी सीट, आज ही आ जाइए इंडिया के बेस्ट मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग सेंटर में जहां पे आपको एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनाया जाता है और सब कुछ आपके हाथ से हम लोग काम कराते हैं और लाइव हैंडसेट की रिपेयरिंग होती है जो कि इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट में आपने नहीं देखा होगा। आपके पास से सेट लेंगे और लाइव रिपेयर करके फॉल्ट को फाइंड आउट करके बहुत इजी तरीके से बताएंगे और हमारी पूरी टीम सालों का एक्सपीरियंस आपको देगी 20 दिन के अंदर। तो रहना यहां पे फ्री होता है, कोई टेंशन नहीं है, मदरबोर्ड फ्री होते हैं, लैपटॉप प्रैक्टिस के लिए फ्री होता है। आज ही कॉल करें डेमो के लिए, व्हाट्सएप करिए, डिटेल ले लीजिए कोर्स की। चलिए मिलते हैं इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।